मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं इस वक्त मैं पिपरिया आउटपोस्ट जो हुआ करता था उसके ठीक ब्रिज के नीचे जो है सिलवासा से वापी की तरफ जा रहे स्मार्ट सिटी की बस को आज जो है एक टैंकर में जा टकराया। हालांकि जब बस टैंकर में टकराई है तो उस वक्त एक व्यक्ति जो बाइक से यहाँ से जा रहा था वो भी उस बस के चपेट में आ गया, जिसके बाद वो व्यक्ति बस से टक्कर लगने के बाद वहां पर गिर गया, जिसे चोटें आई है। और हालांकि बताया जा रहा है कि बस के अंदर उस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद थे। चलिए जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका क्या कहना है इस विषय पे वो सुनवा देते हैं आपको। एम्बुलेंस को फोन तो किया है, एम्बुलेंस को किया है। एक बार में थे, कहाँ जा रहे थे? नहीं, ये गाड़ी पे था मैं। अच्छा, बाइक पे था। से आ रहा था और फिर वो उसको टक्कर मारा किसी ने, तो फिर मेरे को भी ये बस वाला ने खींच के इधर साथ में लपेट के इधर गिरा दिया। अच्छा, आप सिलवासा से पिपरिया की तरफ जा रहे थे? हाँ। और बीच में आपको टकरा गया बस से? बस अचानक से घूम गई। हाँ, बस अचानक से ना उसको कोई टक्कर मारा होगा इधर, तो इधर रेलते हुए गिरा दिया मेरे। अच्छा, बस किधर से जा रहा था? बस भी इधर से जा रहा, सिलवासा से पिपरिया ही जा रहा था। हाँ। क्या नाम है आपका? गोविंद टेलर नाम। गोविंद टेलर, कहाँ रहते हैं आप? इधर ही बालाजी भी आ रहे। बालाजी में घटना है ये? अभी हो गया 10 मिनट। 10 मिनट पहले की है। क्या हुआ था यहाँ पे? बस आ रही थी इधर से, ये आ रही थी टैंकर, टक्कर। तो ये तो गाड़ी लग रहा दोनों एक ही तरफ से आ रहा है। नहीं, ये इधर से आ रही थी, ये घुमा दिया उन्होंने। नहीं था। अच्छा, तो गाड़ी सवारी थी क्या गाड़ी में? अच्छा, कहाँ जाने के लिए बैठे थे आप? वापी के लिए। वापी के लिए सिलवास से बैठे थे? सिलवास चौक से। आमली फुआर? हाँ। अच्छा, ये कितना मतलब क्या हुआ था अचानक से? गाड़ी तो जा रही थी बराबर, वो अचानक वो टैंकर सामने आ गया। okay. टैंकर वाला देख रहा था कि नहीं देख रहा था पता नहीं, फिर भी ये बचाने का तो बस बहुत कोशिश किया। गाड़ी काटते काटते लेके आया इधर। रफ्तार थी गाड़ी में? वो अपना वो गाड़ी रफ्तार में ज्यादा थी, ये तो स्लो थी। ओके, तो फिर ये गाड़ी टर्न, उन्होंने टर्न कर लिया बचाने के चक्कर, बचाने के चक्कर में इधर टर्न मारा। तो देख सकते हैं पुलिस जो है अपने मौके पर यहाँ पर पहुंच चुकी है और पुलिस की टीम जो है यहाँ पर लगातार जो है बेहतरीन तौर से काम यहाँ पर करने की पूरी कोशिश जो है लगातार कर रही है। और ऐसे में अगर बात किया जाए तो स्मार्ट सिटी की जो ये बस बताई जा रही है DD01E9992 और जो टैंकर है वो अमली जो 66 KB विस्तार है उस तरफ से यहाँ पर रिंग रोड की तरफ जो है जा रहा था, जिसमें बताया जा रहा है गाड़ी नंबर MH46F4413। और ऐसे में टैंकर जो है 66 KB से इस तरफ यानी यात्री निवास वाले रिंग रोड की तरफ जा रहा था, और ऐसे में जो स्मार्ट सिटी की बस बताई जा रही है वो सिलवासा से वापी की तरफ जा रही थी। और सोचने वाला विषय यह है कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से जो है ब्रिज के नीचे यानी ओवर ब्रिज के नीचे लगातार एक सर्कल की जरूरत पड़ रही है। लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही है, ये जो टैंकर है वो नीचे से ब्रिज के नीचे से आ रही थी और बस जो है रफ्तार में यहाँ से निकल रही थी और अचानक से जो है टैंकर सामने आ जाता है, जिसको बचाने के लिए पूरी कोशिश हालांकि दोनों ही ड्राइवर ने की तो जरूर होगी। और ऐसे में स्मार्ट सिटी की बस ने जैसे ही वहां पर टर्न मारा उस बीच में एक बाइक चालक जो है उसमें चपेट में आया। हालांकि एक बड़ा हादसा आज प्रदेश में सुबह सुबह होने से टल चुका है, लेकिन इसमें बस में काफी सारे लोग थे जिन्हें कुछ कुछ चोटें जो है लगी थी। और हालांकि दूसरी बस वहीं पर तत्काल मंगाया गया स्मार्ट सिटी की, और उसी बस में जो है
बाकी के सभी जो यात्री थे वो सब जाकर पैसेंजर जो थे वो उसमें बैठकर अपने अपने यात्रा के लिए निकल चुके हैं। हालांकि हमारा आप सभी से निवेदन है कि सड़कों पर जब आप चलते हैं तो सतर्कता बरतें, साथ ही साथ स्मार्ट सिटी बस चालकों से भी मेरा निवेदन है कि लगातार जब आप चल रहे हैं आपके अंदर कांच की पूरी बॉडी है बस की, तो आप उन चीजों पर भी ध्यान रखें कि आपकी एक मामूली गलती या फिर आप हल्का भी सतर्कता से ध्यान भटकता है तो एक बड़ा हादसा प्रदेश में हो सकता है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि इन जगहों को चिन्हित किया जाए और उन जगहों पर कहीं ना कहीं ऐसे जो संबंधित विभाग है उनसे बात करके ऐसे जगहों पर छोटे मोटे सर्कल या यूं कहें कि ड्रम या अथवा पुलिस विभाग के द्वारा जो बैरियर्स होते हैं उसे लगाया जाए ताकि गाड़ियां जो है आसानी से क्रॉसिंग हो सके और एक बड़ा हादसा प्रदेश में होने से टल सके। फिर मिलेंगे अगले खबर, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिलवासा।